क्या तेरे छोरे की पार्टी करांगा। हाँ जरूर जरूर करांगा, कोई चक्री को नहीं जरूर। अरे ऐसे क्यों कर रहा है यार, देखना देखना। सभी को गुड मॉर्निंग। रात को काफ़ी लेट हो गए तो ऋषिकेश रुक गए, और ये हमारे कुछ टेंट थे हमारे यहाँ पर रुके थे। और ये देखो भाई क्या बात है, ये रहा, ये व्यू देखिए आप एक बार, जैसे ऐसे लग रहा है गोवा के अंदर ही आ चुके हैं, समुंदर के किनारे। बोट फट रखे हैं भाई बिल्कुल पानी की वजह से, यार क्या बात है, मज़ा आ गया। अगर यहाँ नहीं रुकते ना तो फिर इस चीज़ को मिस करते। गंगा किनारे ये देखिए, यही है हरिद्वार भी यही जाती है। और ये देखो दोनों भाई नहा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या हो गया, ठंडा है क्या पानी? ओए होए 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 होए, क्या बात है। देखो भी मजे चल रहे हैं पूरे। अरे ऐसे क्यों कर रहा है यार, देखना एक नंबर भाई एक नंबर। देखो भाई गौ माता भी पानी पीने के लिए आई है। काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया, ट्रिप का पूरा आनंद लिया। जब दोस्त अच्छे हो ना साथ में तब मज़ा ही अलग आता है। अपनी बाइक में सामान लोड करते हैं और सीधा आपको मिलते हैं बाइक के ऊपर। तो भाई चलते चलते काफ़ी टाइम लग गया यार, और फिलहाल टाइम हो रखा है 11:13। ओए होए टाइम का पता नहीं चलता भाई। और ये देखो यहाँ पर पार्किंग लगी थी, यहाँ से आए हम, वो वहाँ पे हमारे टेंट थे, यहाँ पर पार्किंग लगी थी, नीचे जो स्कूटी खड़ी है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से पार्किंग लगाई और फिर हटाई। वो सब लोग आगे चले गए। चलिए करते हैं शुरुआत। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया बाइक पर बैठ के। हाय 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 हाय, गर्मी खतरनाक हो रखी है भाई। और ये है वो जंप लगाने का, जहाँ से पैर कर रस्सी बांध के और जंप लगाई जाती है ना। बाल ने बोला यार यहाँ पर चलते हैं, मैं बोला ना रे बाबा ना यार, मर जाओ बेरो के बटा, टांग रस्सी खुल जाए टूट जाए सो बात, कड़ाई मारे पर आगे पड़ जाए फिर समस्या मट जाए। अपा ऐसा रिस्क ना ले, ठीक है। ये है इसका नाम बंजी, 117 मीटर बंजी, हाईएस्ट इंडियाज हाईएस्ट बंजी है भैया, 117 मीटर। काफ़ी सारी एक्टिविटी है भाई ऋषिकेश के अंदर। ये लो भाई क्या जबरदस्त बहाव है भाई नदी का, वाह 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 वाह, खूबसूरत। कितनी ज़्यादा खाली पड़ी है, पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं पूरे, और इस साइड तक पूरी आगे तक। जब नदी का तेज बहाव जब पहाड़ों में से चलकर आता है, और पहाड़ों का जो पानी है वो यहाँ पर भी आ जाता है भाई। अभी हमें जाना है ऊपर से, नदियां जाएगी नीचे से।
फिलहाल हम रुके हैं, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे। टाइम फिलहाल हो रखा है 12:55। ऐसे जाता है टाइम। और मैं दिखाता हूँ आपको नदी, क्या बात है, ये देखो कितना तेज बहाव है। इस साइड से आ रही है और ऐसे 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 बढ़ता ही जान लग रही है भाई, अच्छी लंबी है। चीजा बनाने में कितना टाइम लगे होगा, नहीं कमाल की बात है। चलो बस मैगी खाई फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से आपके रास्ते अलग नहीं, ओके नहीं, क्यों यहाँ से हरिद्वार से अब आप अलग जाएंगे, हम अलग जाएंगे। अब बाइक की है ना, वो खींचनी पड़ेगी आपको अपने घर की ओर और हम अपने घर की ओर। चलिए ओके पंडित, मैंने ग्रुप फट कर यार खुश मिलकर। चलो ब्रो ओके भाई, प्राणनाथ ओके, मिलेंगे ओके पाल, मिलेंगे। मेरे से अगर कोई गलती हो तो प्लीज सॉरी माफ कर देना। गलती होगी और बुरा लगे तो अच्छी बात है, माफ मत करना। मेरे से भी कोई गलती हुई हो ओके ब्रो, टाटा बाय बाय, मिलेंगे मिलेंगे थोड़े टाइम बाद फिर से एक अच्छी राइड पे। वो अपने घर जाएंगे अब और हम अपने घर। हम चारों बैठ जाते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता, घंटा दो घंटा कैसे निकल गया। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है। फिलहाल टाइम दिखा रहा है 7:19 लगेंगे घर पहुंचते हुए। फिलहाल टाइम 2:10 हो रखे हैं तो देखिए किस टाइम तक पहुंचते हैं। जय हो शिव जी भगवान की। पिछली बार भाई हम यहाँ से ऐसे सीधा गए थे और अब की बार इस साइड से सर्किट पूरा करके आए हैं। अब चढ़ेंगे हाईवे पे। जाने कैसे कब कहाँ जिहार हो गया। जैसे सतपाल और ये भी आ गई। हाँ तो हमने यहाँ पर भाई शिकंजी पी, मस्त सी, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही थी बार बार और ये मस्त सी शिकंजी पी के मजा आ गया। हाँ क्या तेरे छोरे की पार्टी कराऊंगा। हाँ जरूर जरूर कराऊंगा, कोई चक्री को नहीं जरूर। हाँ बात है यार, मस्त एक नंबर, क्या रोड है, इस रोड पे तो मजा ही आ जाएगा। पानीपत 86, अरे भाई साहब ये तो 3-lane हाईवे है। इस पे पता नहीं है भाई बाइक अलाउड है या नहीं, हम तो ले आए, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा रोड हो ना भाई फिर टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। 90-100 आप एक बिल्कुल एक जैसे रूटीन में चलोगे ना तब टाइम नहीं लगेगा। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Last bar petrol ka tank hai, wo full karwa liya humne. Time ho rakha hai 4:17. Aur hum Panipat pahunchne wale hain. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control. हरियाणा के अंदर एंट्री हो चुकी है अपनी। ये देखिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में ये नदी है भाई, यमुना नदी। 132 अम्बाला 96 करनाल 12 5:16। आगे संदीप जी अभी वो जहाँ रोकेंगे वहाँ गन्ने का जूस पी लेंगे, जूस पियेंगे। करनाल से निकल चुके हैं, टाइम 6:12 हो चुके हैं और कैथल के अंदर एंट्री हो चुकी है अपनी। सूर्य देवता को मेरा प्रणाम, शाम की आपको नमस्ते। वाह वाह कितना लाल लाल बम सा कैसा दिख रहा है भैया। बात थोड़ा सा आगे चलने के बाद नरवाना का एक मोड़ आएगा, वहाँ पर पियेंगे अच्छी सी चाय, क्योंकि चाय के बगैर प्यास नहीं जाएगी। एक चाय पी लेंगे अच्छी सी, उसके बाद आप फ्री हाँ, उसके बाद डायरेक्ट घर पर जाकर रुकना है बस, कहीं पर भी नहीं रुकना।
लीजिए भाई, यहाँ पर हमने थोड़ा सा शेक पी लिया। एक नंबर अपनी राइड बढ़िया रही भाई एकदम। ऑलमोस्ट बहुत सारी दिक्कतें आई, दिक्कतों का सामना किया, मजा आया, हर दिन याद रहा, यादगार अपनी बनी, जो हुआ बेस्ट हुआ। और अगली बार में यही कहूँगा मैं कि जो हो मालिक अच्छा बनाए रखे। यार अपना एरिया ना अपना ही होता है कहीं पर घुमाओ चाहे घरे आ गई कहीं रंज जी तो घरे आ गई ठीक है। तो भाई मैं तो खाराखेड़ी वाले रोड पे निकल चुका हूँ, अग्रोहा आए, अग्रोहा से मैंने खाराखेड़ी वाला रोड है वो ले लिया, और संदीप जी चले गए सीधा फतेहाबाद से सिरसा जाएंगे, वो सिरसा चले गए और मैंने ये रोड ले लिया। तो भाई व्लॉग कैसा लगा सारी चीज़ें वो कमेंट में ज़रूर बताना, जगह कैसी लगी, राइडिंग कैसा लगा। थोड़ा सा व्लॉग में ना मेरा ऊपर नीचे तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ एक्चुअल में, क्योंकि जो मतलब समझ सकते हो आप, जो बंदा अकेला या दो बंदे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, उसमें व्लॉगिंग सही से होती है। ज़्यादा बंदे हो ना आपके साथ फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और इन्जॉय कुछ ज़्यादा ही होने लग जाता है, तो अच्छे से व्लॉगिंग हो नहीं पाती ज़्यादा जब बंदे आपके साथ हो तब। बाकी मज़ा पूरा आया भाई, फुल इन्जॉय किया एक नंबर, और अपनी बाइक का रिस्पॉन्स भी ज़बरदस्त है इसमें कोई शक नहीं है। चलिए भाई आपको मैं ट्रिप दिखा देता हूँ, अपनी बाइक है वो कितनी चली है, ट्रिप डाटा, ट्रिप वन, ट्रिप टू, 1638 किलोमीटर चली है भाई अप डाउन, वो भी कहाँ तक, मेरे घर से दूरी है अभी भी 1700 किलोमीटर अप डाउन हो गया हमारा, तो सोच सकते हो काफ़ी लंबा है। अगर 1000 किलोमीटर होते तो मैं लद्दाख कराता। मैं करता हूँ आप सभी को प्रणाम, इस व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके किसी अच्छी राइड के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। एक नया अनुभव हमने फिर से ऐड ऑन किया और काफ़ी अच्छा लगा सभी को मज़ा आया। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय।